का जिम्मा अब युवाओं के ही भरोसे है और वो आगे अगर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, यादव समाज के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, तो ये चिंता का विषय है। मैं अभी कुछ जानकारी मिल रही थी, यादवों के इतिहास में मेरे और मेरे परिवार का योगदान मेरे परदादा जी स्वर्गीय राजबिहारी लाल मंडल के समय से है। 1910 में मधेपुरा बिहार में जब देवरिया से भी कुछ प्रतिनिधि गए थे, आजमगढ़ से गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से गए थे, तो अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा की स्थापना की गई। ये और मैं उसके दस्तावेज से मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि उसमें दो तीन जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उसमें पहला प्रस्ताव यह था कि जो इस समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए और उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, जो समाज में सक्षम लोग हैं वो कॉलेज खोलें और स्कूल खोलें और उनको सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल, तीन खास तौर से, ये 1910 की बात है, आज 109 वर्ष हो गए और आज भी वो चिंता हमारे समाज में, यूं कहा जाए पूरे पिछड़े वर्ग के समाज के लिए बनी हुई। उस दिशा में परिवर्तन हो, लेकिन एक चीज आगे आता है, यह समझना कि हम क्षत्रिय हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वर्गीय बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने तो संभवतः पहले यादव समाज के व्यक्ति थे जो बिहार में मुख्यमंत्री बने, और उस समय गंगा में एक गंगा किनारे एक जगह है बरौनी, वहां तेल का कारखाना रिफाइनरी, वहां तेल का रिसाव हो गया और तेल जो है गंगा जी नदी में बह गई और उसमें किसी कारणवश आग लग गई और वो आग घंटों तक, एक दो दिन तक लगी रही। और बिहार के विधानसभा में एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने कहा कि जब शुद्र मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी। तो आप अपने आप को क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपका आंकलन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो शीर्ष पे बैठे हैं आपको क्या कह रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री युवा साथी अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, संबंध में उन्होंने कहा, बड़े दुख से कहा कि हम तो अपने आप को पिछड़ा मानते ही नहीं थे, हमें बीजेपी ने बताया कि हम पिछड़ा है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे और उनके मुकाबले, क्योंकि ये बात आर्थिक आधार की जब अगर है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि स्वर्गीय बीपी मंडल उस परिवार, उस जमींदार परिवार से थे जो विनोदानंद झा जैसे लोगों को अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की और आज भी अखिलेश जी का जो आर्थिक आधार है, वो जो अभी मुख्यमंत्री कुंडल लगाए हुए बाबा जी बने, जो उनका मठ का जो मैं समझता हूं पैसा उनका नहीं, उससे कहीं अधिक सक्षम है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से जब वो हटे तो उस भवन को 7 दिनों तक शुद्धिकरण किया गया और यह उनको बताने के लिए आवश्यक है कि आपको समाज में क्या समझा जाए। अगर ये बात हम नहीं समझेंगे तो जो हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं, और एक बार खास तौर से ध्यान दें क्यों यादवों को ही उत्तर प्रदेश में और बिहार में टारगेट किया जाता है, इस व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई समाज मजबूती के साथ खड़ा है तो पिछड़ों में यादव और दलितों में चबा, ये दो ही समाज हैं जो ताकतवर ढंग से खड़े हैं। और यह व्यवस्था जानती है कि अगर इन्हें औकात दिखा दिया जाएगा तो फिर कोई व्यक्ति का हिम्मत और हैसियत नहीं है कि इस मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दे सके। मैं 2-3 लाइन में चूंकि पढ़ाता हूं, कई नौजवान लोग अभी सर मिले, इनकी पुत्री भी वहां दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, सिविल सर्विसेज देना चाहते, कई हमारे लोग बैठे हैं
जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं। मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन के कारण जो भी आज पिछड़े वर्ग के लोग और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान पिछड़े भी शामिल हैं, मैं ये बात अंडरलाइन कर रहा हूं, चाहे वो नियुक्तियां भी हो रही, सिर्फ उसी कारण उनकी नियुक्तियां या वो एडमिशन ले पा रहे, लेकिन वो व्यवस्था धीरे धीरे उस पर एक आघात हो रहा है और खत्म की जा रही है। अगर वो व्यवस्था नहीं हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में यहां से या पिछड़े जगहों से जो बच्चे जाते हैं उनका एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं कि उनको नंबर नहीं आता, उनको किसी न किसी कारणवश उनको छांटने का काम किया जाता है, हम निरंतर लड़ते रहते हैं। लेकिन एक खास बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विसेज आज इस देश की सत्ता जो किसके हाथ में, IAS IPS के हाथ में, जो सिविल सर्विसेज के माध्यम से नियुक्त हुए, आपको मैं बता दूं कि 1991 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन के विरुद्ध लोगों ने अपने शरीर में आग लगाई, कारण रोजगार नहीं था 1500 पोस्ट थे 1991 में, और ठीक उसके बाद जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो 393 पोस्ट केवल थे, तो 1500 में अगर 22.5% फॉर SC ST और 27% अगर पिछड़ों के लिए चला जाए तो 49.5% के आधार पर फिर भी 750 नौकरियां जनरल कैटेगरी या जिसको अनरिजर्व करते हैं उनके लिए। लेकिन ये चुनौती था कि शासन व्यवस्था में ये पिछड़े वर्ग कैसे घुसाएंगे, इसलिए वो आग लगाई गई और वो स्थिति पीवी नरसिंह राव के समय नहीं हुई। लेकिन आज एक उससे भी बड़ा हमला, लोग चुप है, आज अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट के चपरासी जो उनके यहां एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं उनको डायरेक्ट एंट्री सिविल सर्विसेज में दिया जा रहा है। 9 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, 400 लोगों की अभी नियुक्ति होनी बाकी है, आपके बच्चे पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, उसमें कोई आरक्षण नहीं है, सिविल सर्विसेज में वो नहीं जा पाए। ये चिंता हम लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेचुरल एंट्री करके आ रहे हैं ये पूरे के पूरे ऐसे लोग होंगे जिस पे आरक्षण भी लागू नहीं होगा, और वो ऐसे लोग होंगे जो सीधे यस करेंगे किसी भी तरह के जो आदेश इस सरकार का। और इस सरकार का आदेश क्या है, रोजगार पूरे 45 साल में वर्षों में सबसे निम्न स्तर पर, रोजगार उपलब्ध है नहीं, रोजगार मुद्दा बन नहीं रहा, सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचा जाए, तेजस ट्रेन चला है अभी आप लोगों ने समाचार में पढ़ा, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, जितनी नियुक्तियां हो रही हैं प्राइवेट ट्रेन है, पटरी सरकारी है, व्यवस्था सरकारी है, नियुक्तियां और उसका जो व्यवस्था है वो प्राइवेट हाथ में है, आरक्षण नहीं है, तो आप जाके पता लगा लीजिए उसमें किसकी नियुक्तियां हो रही। इसी तरह जो अभी हमारा देश एक तरह से आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, पैसों की भारी कमी है, और हमारे प्रधानमंत्री रूस को 1,75,000 करोड़ लोन दे रहे हैं, बेमंगा लोन दे रहा है जाके दूसरे को, ये लोन नहीं है, ये पेमेंट, किस चीज की पेमेंट है, ईवीएम सेटिंग की पेमेंट, और जो राशि हम लोग देख रहे हैं उस राशि से कई गुना अधिक राशि पेमेंट वास्तविक रूप से हुआ होगा, आपको सिर्फ ये बताया जाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, IITs में जो देश की सबसे सर्वोच्च इंजीनियरिंग की संस्था है उसमें फीस अचानक कम से कम 25 गुना अधिक कर दिया गया, जो 20,000 होती थी उसको 2-2.5 लाख से ऊपर कर दिया गया, तो आपके बच्चे जो अगर साधारण परिवार से हैं वो क्या पढ़ पाएंगे, सरकारी व्यवस्था है। इसी तरह हम जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं हमारे कॉलेज में एक बच्चे का लोन जो है फीस जो है वो सालाना 12,000 है, 80 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी में 12,000 है किसी में 8,000,
और अधिकतम 14,000 तक। हमें कहा जा रहा है कि रेज योर ओन फंड्स, आप 70-75 हजार रुपए कीजिए फीस बीए बीकॉम बीएससी करने के लिए, और उसके बाद क्या कहेंगे, पकौड़े दर्द, रोजगार है नहीं। तो ये पैसा जा रहा है, ये मेरा आज आपके समक्ष आपके माध्यम से पूरे देश के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो किसी समाज के और जो पिछड़े समाज के, उनसे तो खास तौर से यह प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं। अभी एक बड़ा फैसला सरकार का आया कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। बार बार कहा जाता है वो समाज पिछड़ों में तुम्हारा खा गया, वो समाज उसके कई सारे जुडिशियल ऑफिसर्स बन गए। सच्चाई कुछ और होती है। कास्ट सेंसस जो 2021 में सेंसस यानी जनगणना हो रही है, उसमें पेड़ गिनेंगे, पौधे गिनेंगे, स्कूटर और आपके मोटरसाइकिल गिने जाएंगे, लेकिन जाति नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि आपके समाज के लोग किस गर्त में। और ये सरकार अगर बता देगी तो आप में से कुछ लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी, ऐसा हमने डर। तो मेरा आज अनुरोध है कि कम से कम इस सभा में अगर कोई प्रस्ताव लिया जाता है तो ये जरूर लिया जाए कि देश में जो सेंसस हो आगे, उसमें कास्ट को निश्चित तौर से जोड़ा जाए। अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो तमाम बहुजन समाज जो है, जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और ऐसे लोग जो दूसरे समाज के भी प्रबुद्ध हैं, वो हम जनगणना में सरकार का साथ नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे। अगर ये बात आप फैसला करेंगे तो ये दबाव बनेगा। और मैं अनुरोध करता हूँ जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, और आखिरी में मैं दो बातों को मैं आपके समक्ष लाना चाहूंगा कि ये जो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें सबसे अधिक जो कुठाराघात हो रहा है वो पिछड़े वर्ग के हो रहा है। अभी मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी नंदलाल बघेल जी आने वाले हैं, वो हम लोगों ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाकर बघेल साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल साहब को सम्मानित किया। सम्मानित करने की वजह यह थी कि बार बार मोहन भागवत कह रहे थे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया और समीक्षा कर डाली। समीक्षा यह कर दिया कि 27% किसानों को आरक्षण दिया पूरा, दलितों को जो होना चाहिए, ट्राइबल्स को दिया और आरक्षण की कुल सीमा 72% हो गई। बाद में उन पर दबाव डाला गया, गैर संवैधानिक सवर्ण आरक्षण को भी इसमें लो, और उस दबाव के तहत आज 82% है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां के उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया और किसी आरक्षण पे उन्होंने सवाल नहीं उठाया। पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो गलत है, तुम 10% होना चाहिए। और ये क्यों हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित, उत्तर प्रदेश सहित, बिहार सहित, दलित दिल्ली सहित दलित समाज के लोग उठ खड़े होते हैं, आदिवासी उठ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोग एक दूसरे के काम खींचने में लगे रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि धरती उनके नीचे से खिसक। तो ये मैं अनुरोध करूंगा कि ये खास तौर से जो प्रबुद्ध यादवों की अगर समाज है, प्रबुद्ध पिछड़े वर्ग का जो समाज है, उनको यह लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि आप सड़क पर नहीं आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।